अस्पताल में आत्मा का वास। जी हाँ, आपको सुनने में बड़ा अजीब लगे, लेकिन एक व्यक्ति की मंदसौर के जिला चिकित्सालय में 35 साल पहले मौत हुई थी और अब उसकी आत्मा जाग गई। परिजन आए, अस्पताल के सामने मजमा लगाया, हवन किया और आत्मा को ले गए। मंदसौर जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर गुरुवार शाम अंधविश्वास से भरा घटनाक्रम हुआ। यहाँ 35 साल पहले कुंडालिया निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। करीब एक दर्जन से अधिक लोग जिला अस्पताल पहुंचे और गेट के सामने लगभग आधे घंटे तक तंत्र मंत्र करके चले गए। परिजनों के मुताबिक हम मृत आत्मा को एक दीपक में घर ले जाएंगे। रायसेन शहर में पिछले 4 दिनों से पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है। एक तरफ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ नगर में पानी सप्लाई की लाइन फूटने से पानी व्यर्थ बह रहा है। यहाँ के हलाली डैम की पाइपलाइन से शहर में पानी पहुँचता है, किंतु पाइपलाइन फूटने से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक नगर पालिका का कोई अधिकारी फूटी लाइन को देखने नहीं आया। रायसेन में पिछले 4 दिन से शहर पानी के लिए तरस रहा है। विदिशा रायसेन रोड पर कोड़ी नाले के पास रायसेन नगर में पानी की सप्लाई करने वाले हलाली डैम में ट्रांसफार्मर जल जाने से 3 दिन तक पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद रही और जब पानी की सप्लाई शुरू की गई तो मुख्य पाइपलाइन के फूटने से पानी नगर में नहीं पहुंच पाया और लाखों लीटर पानी खुदाई के काम के कारण लापरवाही से बह गया। बताया जा रहा है कि जब इस बात की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों और नगरपालिका अध्यक्ष को दी गई तो भी घंटों तक किसी भी अधिकारी ने मौके पर पहुंचना मुनासिब नहीं समझा। यूपी के औरैया में नहर बाजार अछलदा पुल के पास ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से बड़ा हादसा होते होते बचा। सरकार द्वारा ओवरलोड पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन इसका असर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली उस समय पलटी जब बाजार में घटना स्थल के पास कोई नहीं था। यदि कोई राहगीर या गाड़ी चपेट में आ जाती है तो बड़ा हादसा हो जाता है। सूत्रों के मुताबिक ओवरलोड होने की वजह से यह घटना हुई। प्रशासन की नाक के नीचे ऐसे ओवरलोडिंग वाहन शहर में रात दिन दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान इन पर नहीं है। लगता है प्रशासन किसी बड़ी घटना के इंतजार में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव कैंपेन प्रभारी और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे। वहां उन्होंने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। उज्जैन में ज्योतिषाचार्यों ने सिंधिया का वर्तमान समय शुभ बताया है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिनों दिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती चली जा रही है। इसी तरह राजनेता एक दूसरे पर बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के स्टार प्रचारक कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जन आक्रोश रैली में भाग लेने हेतु उज्जैन पहुंचे। सबसे पहले सिंधिया बाबा के महाकाल के दर्शन करने हेतु पहुंचे थे। इसके बाद सिंधिया ने पत्रकारों से चर्चा में विरोधियों को कटघरे में खड़े करने से नहीं चुके। सिंधिया जब महाकाल दर्शन करने पहुंचे उस दौरान आम दर्शनार्थियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इसी तरह इंदौरी कांग्रेसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और नंदी हॉल में जमकर बैठ गए। वहीं दूसरी ओर इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन सिंधिया के साथ गर्भगृह में जाने हेतु सुरक्षा कर्मियों से तीखी नोकझोंक करते दिखाई दिए। सिंधिया जी आज उज्जैन आए हैं आप, आज आपकी जन आक्रोश रैली है, क्या कैसे क्या रहेगा इसमें? आज क्यों मंदिर के अंदर कभी भी राजनीति की बात नहीं की जाती और राजनीति में कभी मंदिर की बात नहीं की जाती। ना कोई गुड़बाजी है, मैंने सबसे बात की है और सब लोग एक साथ होकर आगे बढ़ रहे हैं और यही एक हलचल दूसरे कैंप में और बढ़ा रही है भाजपा की कि कांग्रेस एकजुट हो चुकी है। मेरी एक प्रथा है कि मैं धार्मिक संस्थान में कभी भी राजनीति की बात नहीं करता और राजनीतिक मंच से मैं कभी धर्म की बात नहीं करता। अभी मंदिर के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, बाबा महाकाल के मंदिर के प्रांगण में, और हमारी संस्कृति ने जो हिंदू धर्म की बात करते हैं और जैसे कि वो हिंदू धर्म केवल उन्हीं की बपौती है, वो भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति ने क्या सिखाया है कि धर्म की जगह में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति की जगह में कभी धर्म नहीं होना चाहिए। सिंधिया जी आपके पास आए थे, आज उन्होंने चुनाव अभियान की शुरुआत करी है उज्जैन से,
आपने क्या बात की है, क्या सलाह दी है उनको? देखिए, हम लोगों का राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन हम लोगों का प्राचीन पीढ़ियों से संबंध है राजघराने के साथ, क्योंकि असल में हमारा ये जो गुरुकुल चलता था उसमें भी महाराज का योगदान था, और ये मंदिर भी बना उसमें महाराज के ही एक न्यायाधीश ने सहयोग करके चिंतामणि विनायक वही दिन गणपति मंदिर बनवाया था। तो इस नाते से हमारा पारिवारिक संबंध है, राजमाता से भी उतने प्रेम के संबंध थे, जयाजीराव महाराज से, पूरे बड़ा माधवराव महाराज से, ये माधवराव जी से, और इनके साथ भी उसी प्रकार के संबंध है। ये काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं और हमारा कोई पार्टी से लेना देना नहीं, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति अगर मान लो परिश्रम करते हैं तो भगवान गणपति की कृपा उन्हें प्राप्त हो, यश सफलता प्राप्त हो, यही हमारा आशीर्वाद। ज्योतिष की दृष्टि से भी क्या इनका समय अच्छा है, कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है? असल में इनकी मेरे पास अभी कुंडली है नहीं, लेकिन जब भी आएगी देखेंगे। लेकिन एक अच्छे आदमी है, सदविचार के आदमी हैं, और एक और मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आज जो नेताओं में जिस तरह के संघर्ष चल रहे हैं उसमें कम से कम ये अपना विपक्ष का जो प्रस्तुतिकरण इनका है बड़ी मर्यादित भाषा में, सबसे अच्छा गुण यही मुझे लगा कि नेतृत्व में ये होना चाहिए कि उनकी भाषा मर्यादित हो, और मर्यादित भाषा में विरोध भी करें तो मर्यादित भाषा। महाराज जी कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री के दावेदार बन सकते हैं ज्योतिष के मंदिर? देखिए, ये तो मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि ये फिर राजनीतिक बातें होती है, और मैं राजनीतिक का आदमी नहीं हूँ, लेकिन भगवान इनको यश दे, सफलता दे, अच्छे आदमी आकर के बैठे और नेतृत्व अच्छे से अच्छे लोगों का हो, ये जरूर भावना है। पंडित जी।